हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, 25 मार्च को एक नया रैप सॉन्ग आया था बादशाह का, जो काफ़ी वायरल हुआ था, काफ़ी लोगों को पसंद आया था। सॉन्ग में हिंदी लिरिक्स के साथ साथ बंगाली लिरिक्स भी यूज़ किए गए हैं, पर गाने के लॉन्च के एक दो दिन बाद ही इस पे हेट कमेंट्स आने शुरू हो गए एंड बादशाह को काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया एंड वीडियो के कमेंट्स के ज़रिए हेट देना शुरू कर दिया। वीडियो के कमेंट्स पे लोगों ने ये कहा कि ये गाना कॉपीड है एंड बिना कुछ पैसे दिए या क्रेडिट दिए बादशाह ने ये गाना यूज़ किया है। असल में ये गाना रतन कहर जी का है, और अगर आप उनका गाना सुनेंगे और उसके बाद बादशाह का गाना सुनेंगे तो दोनों में बहुत सिमिलैरिटी दिखेगी। इस पर रतन कहर जी ने कहा कि कोई भी उनका गाना यूज़ कर लेता है बिना उनसे पूछे एंड बिना कुछ क्रेडिट दिए, एंड इस केस में भी यही हुआ। एक और इंटरव्यू में रतन कहर जी ने कहा कि बादशाह आए मुझसे मिलने, मुझसे बात करें, और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरा गाना यूज़ किया। आयरॉनिकली रतन जी जिन्होंने ये गाना लिखा है उनके हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, वो गरीबी में रहते हैं और ना ही उनके पास इतना पैसा है कि वो कोर्ट केस कर सके बादशाह या किसी और पर। गाने को हेट मिलता देख बादशाह ऑनलाइन आए इंस्टाग्राम पे एंड उन्होंने काफ़ी बातें करी एंड उन्होंने सब कुछ डिस्कस किया गाने को लेके। उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने हर जगह चेक किया, रिकॉर्ड्स में, आर्टिस्ट सोसाइटी में, बट उन्हें कहीं भी कुछ नहीं मिला इस गाने को लिखा किसने है या इस गाने को ओन कौन करता है। गाने के रिलीज के एक दो दिन बाद थ्रू सोशल मीडिया हमारे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची कि जो गाने में हमने दो लाइंस जो यूज़ की हैं, फोक लाइंस, जो कि हमें पता था, हमें नॉलेज थी कि वो फोक हैं, बंगाली फोक लाइंस आर रिटन बाय वेरी फेमस, अ वेरी सीनियर बंगाली फोक आर्टिस्ट बाय द नेम ऑफ मिस्टर रतन काहर। गाने के एक दो दिन बाद मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू ये ऑफकोर्स खबरें मिलनी शुरू हो गई, टैग्स लगने शुरू हो गए एंड देन फिर मैंने जाके चेक किया क्योंकि मुझे पता था कि ये फोक है, तो मैंने यूट्यूब पे जाके और वीडियोस चेक किए जहाँ पे ये गाना पहले रिक्रिएट हुआ हुआ बैक इन द ईयर 2018 और उससे पहले भी बहुत सारे इस गाने के रिक्रिएशन हो रखे हैं, जहाँ पे मैंने लिरिक्स में क्रेडिट चेक किए जहाँ पे कहीं रतन काहर जी का नाम मेंशन नहीं था। तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं। मैंने फिर आर्टिस्ट सोसाइटीज होती हैं जो परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटीज होती हैं जहाँ पे आर्टिस्ट के क्रेडिट्स स्टोर किए जाते हैं पूरे इंडिया के, मैंने अपने लेबल को कहा कि हम वो चेक करते हैं, क्या पता वहाँ पर उनका नाम। तो एंड इसीलिए काफ़ी देर भी लग गई क्योंकि देयर इज अ कंट्री वाइड लॉकडाउन दैट्स हैपनिंग, तो हमें रिकॉर्ड्स गो थ्रू करने में काफ़ी टाइम लगा टू फाइंड इफ रतन काहर जी का वहाँ नाम है या नहीं है। वहाँ पे कहीं उनका नाम हमें नहीं मिला इस गाने के क्रेडिट को। तो यू नो वी जस्ट ट्राइंग टू वैलिडेट कि ये गाना क्या सच में उन्होंने लिखा या नहीं लिखा, बट देन काफ़ी लोग मुझे टैग करने लग गए, यू नो एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी जा रहा था, रतन का इंटरव्यू है जहाँ उन्होंने लिखा है। बट टू मी एज पर द रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, इट्स अ बंगाली फोक सॉन्ग, फोकस पीपल, जो बंगाल के लोगों का, कलेक्टिवली बंगाल के लोगों का गाना है। बट हैविंग सेड दैट, जिन लोगों ने भी मुझे ट्वीट किया, जिन लोगों ने भी ये डॉक्यूमेंट्री बनाई, जो भी उनके वेल विशेज हैं रतन काहर जी, आई एम श्योर इज अ ग्रेट आर्टिस्ट। सी, मैं पंजाब से हूँ और हम यू नो आई लव कल्चर, हमें कल्चर से बहुत प्यार है, चाहे वो बंगाली कल्चर हो, चाहे गुजराती कल्चर हो, चाहे पंजाबी कल्चर हो, एंड एज एन आर्टिस्ट आई जस्ट वॉन्टेड टू यू नो इट्स सच अ ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन, इट्स सच अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ म्यूजिक, आई जस्ट वॉन्टेड टू पुट इट, सैम्पल इट इन अ सॉन्ग, एंड यू नो मैं चाहता था कि पूरी दुनिया इसको सुने, यू नो आज शायद हम इस मुकाम पे हैं कि लोग हमारे गाने सुनते हैं। एंड मैंने कई जगह पढ़ा जहाँ पे गाने ऑलरेडी हैं, वहाँ पे भी लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ बादशाह, बट दैट्स ऑल लव, जो ये दैट्स ऑल योर लव, दैट्स वो सब आपका प्यार है, बट यू नो एज एन आर्टिस्ट, एज अ पीपल्स आर्टिस्ट, आई हैव ऑलवेज लव्ड फोक, एंड यू नो सो ऑन आई मीन यू नो through you guys, through people who made this documentary bani hai jahan pe Rasun Kahar ji ka interview diya hua, jo log mujhe tweet kar rahe hain, jo log ye keh rahe hain ki maine credit nahi diya unko, jo jitne bhi log hain, I'd like all of you all to reach out to Mr. Rasun Kahar, tell him that I'm here, aap mujh tak pahunche, ya jo bhi unke well-wisher hain, you know, they come, mujhe bataye, I would love to help him, you know, I have heard he's
he's struggling financially right now. But, you know, and I request all my friends from the fraternity to help such folk artists. I'm right here. I'd love to help him in whatever way possible. On just humanitarian artistic grounds, man. It's मतलब मैं चाहता हूँ कि उनकी उनके I think उनकी बेटी की education के पे जो कुछ भी है I would love to जो जो भी मेरे बस में होगा भगवान ने जितना भी मेरे को इस काबिल रखा है I'd love to help him but as of now as per the records it's a Bengali folk song so कहीं ये है नहीं कि रतन कहार जी ने लिखा है but having said that I am an artist I know how it feels but you know jo kuch bhi mujhse hoga jo kuch bhi mere bas ka hoga I'd love to like is kehne ki baat bhi nahi hai mujhe thoda time itna laga because we're just trying to find out what the situation is so through you guys through everybody who's tweeting me jo bhi mujhe tweet kar rahe hain jinhone bhi unke upar documentaries banayi hain jo bhi unke well wishes hain please un tak agar ratan kahar ji message dekh rahe hain I'm right here aap jo aapko jo chahiye as artist and I you know I have no qualms in doing so you know agar lockdown shayad nahi hota to aaj main aapke paas aata khud but yeah that's just my request to you guys aur bahut log ye keh rahe hain ki you know credit liya aisa kuch nahi hai we've worked ek tarika hota hai har gaane ko banane ka us tarike se hum chale hain और उसी तरीके को हमने फॉलो किया एज ऑफ नाउ इट्स अ बंगाली फोक सॉन्ग फोक इज द पीपल जो बंगाली लोगों का गाना है एंड इट बिलोंग्स टू द फोक और वही चीज हमने वहां लिखा भी है क्रेडिट्स में मेंशन भी किया ओरिजिनल लिरिक्स बंगाली फोक और वही हर वीडियो पे जहां पे भी गेंदा फूल जब भी रिक्रिएशन हुआ है वही लिखा है बंगाली फोक कहीं भी रतन कहार जी का नाम नहीं है अगर एक जगह भी होता वी वुड हैव हमें इट्स व्हाई वुडंट वी डू इट It's just two lines. Why wouldn't we do it? जब हमने हर किसी का नाम mention किया and I make sure, I personally make sure कि हर किसी का नाम mention हो, जो जो जिसका भी contribution रहा है पूरे product में, चाहे video है, चाहे audio है, everybody is mentioned there. हर किसी का नाम आपने mention किया, चाहे वो तापस दायन जिन्होंने जिन्होंने instrumentation किया, चाहे वो दत्त देवा जिन्होंने musical arrangements किए, कोई भी है, video, audio, whoever, सबका नाम mention किया है. On 7 April, Badshah ne madad kari Ratan Kahar ji ki, as he promised, on humanitarian grounds. And to be honest, sabko unki mehnat ka phal milna chahiye. Pehle is topic pe main ye kehna chahunga ki aajkal yahi chal raha hai. Koi bhi purana gana uthaya, usme ek do lines nahi dali, thoda sa naya music diya aur gana launch kar diya. In the end, main ye kehna chahunga कि बादशाह ने फाइनली एक्सेप्ट किया कि उन्हें इस गाने की मोटिवेशन कहीं और से मिली है एंड उन्होंने रतन कहर जी की भी हेल्प करी एंड जितने भी लोग अभी भी बादशाह को हेट दे रहे हैं मत करिए क्योंकि उन्होंने हेल्प कर दी है एंड यही मोटिव था सबका कि क्या राय है इस टॉपिक पे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं